अरे बहन सोनिया जी, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। मेरे टुक टुक पे आपने बीच रोड पे रोक दिया है मेरा टुक टुक, और आप बैठ भी नहीं रही हो। कहाँ पे जाना है आपको, कहाँ पे जाना है मुझे बताओ, मैं आपको वहीं पे ले जाके छोड़ दूंगा। बैठो जल्दी से मेरे टुक टुक पे। तुम बहन सोनिया जी, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है 100 रुपए लगते हैं 100 रुपए शहर जाने के लिए। दो जनों के 100 रुपए लेता हूं मैं, आप मुझे 100 का नोट दे देना, आप दोनों को मैं शहर ले जाके छोड़ दूंगा। मगर मायावती जी, आपको कहां पे जाना है, आप मेरे टुक टुक के पीछे बैठ गई हो आकर। अरे बहन सोनिया जी, तुमने ये काम बहुत अच्छा करा कि भैंस खरीद ली, और अपने पूरे गांव में किसी के घर पे दूध भी नहीं था, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी दूध की, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। अब मुझे रोज डेली तुम 1 किलो दूध दे दिया करो, सुबह में 1 किलो दूध मैं आपके घर से बांध लूंगा, ताजा ताजा दे देना मुझे। बहन सोनिया जी चलो अब जल्द से जल्द तुम टुक टुक पे बैठ जाओ। वो देखो राहुल जी भी आ गए, और मायावती जी को अभी पास के गाँव में भी मुझे छोड़ के आना है, और आपको शहर। चलो जल्द से जल्द अब मेरे टुक टुक में बैठ जाओ तुम। अरे मम्मी जी, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है मुझे पानी पूरी कितनी अच्छी लगती है। गोलगुप्पे मेरे लिए ला देना ताजे ताजे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जब आप शहर से लेके आती हो। बस बस पानी पूरी मुझे खाना है बस। अरे बहन सोनिया जी, ये कौन सी बात हुई, आप मुझे 2 घंटे से यहाँ पे टुक टुक रोके पड़ी हो, और राहुल जी को लेके नहीं जा रही हो। राहुल जी को पानी पूरी के लिए कहना था तो फोन पे कह देती, आप भी काम का परेशान करी पड़ी हो मुझे, और इतनी देर से मेरा टुक टुक भी तुम यहाँ पर रोके पड़ी हो। अब तक तो अपना शहर से वापसी भी आने ही वाले होती हो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे।